अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या गपशप चल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालात के ऊपर। कौन से हालात के ऊपर? यही बाजारों के बिल्कुल। अच्छा, बाजारों में रौनक नहीं है? रौनक नहीं है, लोग डाउन चल रहे हैं। ठीक, सब डर रहे हैं। ठीक है सर जी, आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन भाई, ख्वाब देखते हैं? ख्वाब, ख्वाब इंसान सो जाता है, नींद में होता है, ख्वाब आते हैं आते हैं कभी। क्या ख्वाब देखते हैं? ये पाकिस्तान का अल्लाह ही ऑफिस है। नहीं, वो तो एक सोच है ना, मतलब अपना पर्सनली कोई ख्वाब देखते हैं? ऐसा कोई ख्वाब नहीं, बस सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ख्वाब में कुछ भी नहीं आता कि पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, कुछ कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब क्या देखते हैं? पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन? नहीं, डर लगा रहा है, डर कहीं जाने जैसा नहीं है कहीं। मतलब कोई ऐसा ख्वाब देखा जो सुबह उठ के वो सच हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कैसे ख्वाब हैं आप? बस ख्वाब क्यों नहीं आते? नहीं हो सकते। नहीं, वो होने की बात तो अलग है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं देखता ही नहीं हूँ, ख्वाब आते ही नहीं है, तो अब ये तो कैसे हो सकता है? जब बंदा सो जाता है तो ख्वाब तो आते रहते हैं। मुझे देखो, मैं तो कभी नाक को देखता हूँ कि यार वो कोबरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कभी किसी ने आग में डाल दिया मुझे। गुनाहगार हूँ ना मैं, इसलिए हम नेक हैं ना, नेक हैं, इसलिए आपको इस किस्म के ख्वाब नहीं आते। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ सर जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक है जी। ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ काम वाम नहीं चल रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है सर, काम चल रहा है जी सर। अच्छा सर जी, आपका नाम? मेरा नाम हारिस। हारिस भाई, ख्वाब देखते हैं आप? क्या ख्वाब देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। यार नॉर्मल इंसान होता है, जब रात को सो जाता है तो रात में ख्वाब आता है, उसको नींद में कुछ 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 ना कुछ ख्वाब तो देखता ही रहता है बंदा जी। बिल्कुल। क्या देखते हैं आप? कभी बुरे भी आते हैं क्या? कौन कौन से ख्वाब आते हैं? आप घर वालों के आते हैं क्या? घर वाले दूर हैं क्या? के आते हैं? नहीं, घर वाले दोस्त दूर हैं, दोस्त करीब है। दोस्त से मिलते मिलते नहीं है कि आपको रात को ख्वाब में आते हैं? मतलब जो पूरे दिन में दोस्तों के साथ खेले होता है, ये होता है, वही सब याद आता है ख्वाब में कि हम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो यार? क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, कुछ और खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हैं, स्नूकर खेल रहे हैं। तो आजकल के नौजवान जो हैं क्रिकेट तो कम खेलते हैं, कंप्यूटर ज़्यादा खेलते हैं या ताश वाश खेलते हैं? यार ताश वाश तो नहीं खेलते सर, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, स्नूकर वगैरह खेल रहे हैं। स्नूकर खेलते हैं तो बस रात में वही नींद में वही चीज़ आती है ख्वाब में जी। कोई और अच्छा सा ख्वाब बता दें? और ख्वाब आता है, अल्लाह का शुक्र है कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये को। सच में पढ़ते नहीं है और ख्वाब में आता है कि नमाज पढ़ रहा हूँ? सच में पढ़ते हैं, पर ये नहीं पांचों टाइम की नहीं कभी। ख्वाब में ये आता है कि आप पांच वक्त नमाजी हो गए? नहीं, नमाज पढ़ते हैं मैं, कभी ख्वाब आता है, कभी माँ बाप के साथ आता है, कभी भाइयों के साथ आता है। कोई बुरा ख्वाब देखा? बुरा ख्वाब देखा है, तीन चार दफ़ा देखा है। किस किस्म के ख्वाब देखे? काफ़ी ऊँचाई से गिर रहा हूँ, फिर मेरी आँख खुली गई। अच्छा, मतलब गिरते गिरते बच गए आप जी? अच्छी, इतनी ऊँचाई से गिरेगा बंदा बच जाता है? ख्वाब में बंदा कार्टून बन जाता है ना जी। कभी वो दौड़ नहीं सकता, कभी कुत्ते उसके पीछे लगे होते हैं, कभी कोई चुड़ैल पीछे पड़ जाती है, कभी जिन भूत नज़र आते हैं जी। कुछ हुआ इस तरह? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि एतिकाफ़ वगैरह में मैं जब बैठता था, जब ऐसे ख्वाब आते थे भूत वगैरह के। एतिकाफ़ में आते थे? नहीं होते मुझे, वो तो शैतान होते हैं, ये होती है। अच्छा, जहन में होता है सब, के सोए होते हैं वही सब हमारे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कभी इतने सारे ख्वाबों में कभी कोई ख्वाब आया पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से कोई ख्वाब एक दफ़ा आया था। ख्वाब क्या आया था? सदर पाकिस्तान बन गए? नहीं नहीं, इतना वज़ीर आज़म बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए, क्या बन गए सर? ऐसा कोई ख्वाब नहीं आया, मतलब इस तरह देखा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, कहीं बाहर ममालिक में हूँ, लेकिन मुल्क हमारा पाकिस्तान। ये तो कुछ अजीब सा ख्वाब नहीं है कि आप पाकिस्तान में नहीं है, किसी और जगह पे हैं? पाकिस्तान में ही हूँ मैं, मतलब पाकिस्तान माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर गया है कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ किसी। माशाल्लाह से यार, अल्लाह करे कि आपका ख्वाब सच हो, कि पाकिस्तान इतना तरक्की करे कि आप जिस तरह आपने ख्वाब में देखा कि पाकिस्तान, आपको लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान है। इंशाल्लाह, आमीन। सर तो इस तरह के ख्वाब देखते हैं जी सर? कोई अच्छा आप पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है, सब पर्सनल ख्वाब ही देखते रहते हैं पाकिस्तान के लिए, कोई ना तो सोचता है, ख्वाब में भी कोई नहीं देखता पाकिस्तान को। आपने न्यू जनरेशन हो तो क्या कहते हैं इस बारे में? पाकिस्तान के हवाले से ये है ख्वाब देखा है कि मैंने, मतलब पाकिस्तान को वैसे तो मतलब
वैसे तो ठीक नहीं है आपका हमें पता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान मैंने ख्वाब में देखा है कि काफ़ी खूबसूरत बन चुका है। अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है, बड़ी बात। तो ये ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह होगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा चले जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक का पे हैं। यार आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी इधर आ जाएं। ताहिर हैं तो ताहिर साहब क्यों भाग रहे हैं यार? वो तो गार्ड हैं, तो गार्ड भी अगर डरेंगे तो ये क्या होगा फिर? नहीं ये इन लोग का जो ना ड्यूटी ना तो ड्यूटी पे इंटरव्यू नहीं देते। हाँ। तो थोड़ा सा इधर आइएगा। अच्छा आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर भाई मुझे ये बताइएगा, ख्वाब देखते हैं आप? जी ख्वाब देखते हैं। ख्वाब ख्वाब के मुताबिक तो दुनिया देखती है, तो हम क्या, आप क्या देखते हैं पर्सनली? पर्सनैलिटी हर कोई यही चाहता है कि ख्वाब में जो ना जो सही मानों में अच्छी चीज़ों के लिए देखा जाता है ख्वाब, उसके मुताबिक जो ना वो ताबीर भी हो। नहीं मतलब आप जब सोते हैं रात को तो ख्वाब में कोई चीज़ आती है, वो पूछ रहा हूँ। यहाँ भर की चीज़ें आती है। क्या आता है? बिल्कुल आएगा। आप बताएं तो सही, हमें भी पता चले कि ज़ुबैर भाई के ख्वाब में क्या क्या चीज़ आती है। यही ज़्यादातर होता है कि अल्लाह पाक जो ना मुल्क को जिस तरीके से ब्लास्ट वगैरह होते हैं और ये ना हो, क्योंकि ख्वाब जब ब्लास्ट होते हैं तो फिर वो ख्वाबों में भी आता है, क्योंकि जो ना हालात के बेहतर जो ना देखा नहीं आता। कभी कभी ख्वाब में देखा कि आप मर रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, आप मर रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो फिर बंदा ख्वाब देखना ही छोड़ दे, ज़रूरत भी नहीं है ना, बंदा ऐसे ही मर जाए। हाँ अच्छा, पाकिस्तान के लिए कोई ख्वाब देखते हैं अच्छाई के लिए, कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब आए हो कि आप सोए हो नींद में, कोई ख्वाब आए आपको कि यार पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क बन गया है, खूबसूरत हो गया, अमन कायम हो गया, कभी देखा है ऐसा ख्वाब या नहीं? अल्लाह पाक ये भी अच्छा करे कि अगर ऐसे ख्वाब आ जाए और उनकी ताबीर भी हो जाए कि फिर पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या मतलब। पर्सनली आपको कभी आया ऐसा ख्वाब के लिए? मेरे को कभी ऐसा ख्वाब नहीं आया। सिर्फ अपने बारे में ख्वाब आते हैं आप? अपने बारे में तो जवान नस्ल में तो आपको तो पता है कि किस तरीके से ख्वाब आने चाहिए। मतलब क्या चुड़ैल वुड़ैल आती है ख्वाब में? नहीं यार, परी आती है। ये देख के तो बंदा ऐसे हार्ट अटैक हो गया बंदे को, ख्वाब के लिहाज से तो परियाँ आती हैं फिर? नहीं नहीं परियाँ भी नहीं आती। अब कौन आता है बस? तो ख्वाब के मुतालिक बंदा क्या बताएगा, आप ये खुद जानते हैं। अच्छा चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? दुआ चाहिए। थोड़ा सा इंटरव्यू देंगे? किस बारे में? बस मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। आप जी बोल। क्या नाम है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद भाई ख्वाब देखते हैं? जी कभी कभार, ज़्यादा इतना जब सो जाता है बंदा नींद में होता है ख्वाब जागते जागते हुए नहीं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जागते में भी देखते हैं, वो वाले ख्वाब नहीं आते, जागते हुए वाले नहीं आते, वो सच ही नहीं होते वो। जी इंसान की सोच होती है। हाँ जी बिल्कुल। क्या मतलब क्या ख्वाब आता है आप? क्या ख्वाब ज़्यादा तो याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। एक तो याद होगा ना? नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन करें बस, एक भी याद नहीं। ख्वाब में ऐसा क्या होता है कि क्या याद रखेगा बंदा? फिर भी किसी को मोहब्बत होती है तो उसको माशूक नजर आती है ख्वाब में? नहीं ऐसा है, आप इस पे हंस पड़े, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं। नजर आती है? लड़ी में शादी शुदा हूँ। क्या जो शादी शुदा, क्या मतलब जो शादी शुदा होते हैं उसकी माशूक नहीं हो? नहीं मेरी नहीं। नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं यकीन करें। अच्छा तो ख्वाब में क्या बेगम नजर आती है? नहीं बेगम तो साथ ही होती है। बेगम साथ होती है तो फिर नजर आने की क्या बात है ख्वाब में नजर आए, क्या फायदा? क्या मतलब कुछ तो याद होगा आपको, इतनी कमज़ोर मेमोरी तो नहीं होती इंसान की। ठीक है जब बंदा सोता है, जब ख्वाब देख लेता है सुबह उठ के भूल जाता है, ऐसा कोई खास उतना इतना। कितने दिन में, रात में कितने ख्वाब आते हैं? कभी कब, 5-6 महीने में एक बार। मतलब सो जाते हैं सुबह उठ जाते हैं पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह माशाल्लाह यार मुझे तो नींद ही नहीं आती, पूरी रात में ख्वाब ही देखता रहता हूँ, कभी डरता हूँ कभी खुश होता हूँ। आपको ऐसे कोई ख्वाब नहीं? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा कभी कोई ऐसा ख्वाब आया कि पाकिस्तान के हवाले से हो? नहीं ऐसा भी कोई नहीं है यार। आपको ना पर्सनली कोई ख्वाब आता है ना पाकिस्तान के हवाले से आता है, कैसे इंसान है सईद भाई आप? ऐसे ज़बरदस्ती में ख्वाब को कहूँगा मुझे आओ कि देखा जाए, कुछ तो बता दें नज़र आ। नहीं वाकई में नहीं आता, बस ये कि कभी अगर जैसे कोई ख्वाब नज़र आ गया तो जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है
हंगामा आ रही है वो नजर आ गया तो ठीक है, वो नजर आता है आप वो का, कभी कभार ज्यादा मतलब आप भी शैतान किस्म के इंसान है, लड़ाई झगड़ा नजर आता है आपको कभी कभार, तो लड़ते हैं आप? नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है। लड़ाई झगड़े की क्यों ख्वाब आते हैं? कभी बंदा टेंशन में होता है, न्यूज देख ली तो। अच्छा, न्यूज देखते हैं तो फिर रात ख्वाब में वही चीजें आती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान कभी नजर नहीं आया? पाकिस्तान का क्या नजर आएगा, पाकिस्तान ऑलरेडी नजर ही आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो नजर आ रहा है लेकिन कोई कैसा है पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत अच्छे, ऐसी बात नहीं। अभी आप बुराइयां कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं क्यों पाकिस्तान की क्यों बुराइयां करेंगे? नहीं करते। नहीं क्यों करेंगे? कसम खाएं नहीं करते। कसम से बिल्कुल नहीं करते। अल्लाह की कसम कभी घर में भी नहीं। नहीं क्यों? न्यूज़ देख के कहते नहीं है ये क्या बन गया यार? हमने थोड़े किए हैं, वो तो चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।